हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले एज लाइटिंग के बारे में, ठीक है। एज लाइटिंग जो आप फ़ोन में अपने लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था, ये वाला वीडियो जो मैंने अपलोड करा, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वाला वीडियो जो अपलोड करा था मैंने, तो मैंने बोला था उसमें कि जिसके पास भी एंड्रॉयड 10 वर्जन है उसमें ये जो एज लाइटिंग वाला ऑप्शन है ये मिल जाएगा। लेकिन मैंने कई फ़ोनों में चेक करा, रियलमी के फ़ोन में मैंने चेक करा तो बहुत से फ़ोन में जिसमें एंड्रॉयड 10 वर्जन है बट उसमें ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा जो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो उस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने फोन में एज लाइटिंग लगा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इससे कि हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते, तो जान लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम है एज लाइटिंग, तो इसको सिंपली ऑन करना, ठीक है। ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे एनेबल लगेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे आपको लाइटिंग एज लाइटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लाइटिंग जला, जब भी कॉल आएगा तो यहाँ पे आपको ये लाइटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कैपेसिटी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, गैलेक्सी जो सैमसंग का फ़ोन है उसके जैसा आपको रखना या फिर फ्लैशिंग ऐसा रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसे लार्ज या मीडियम कर सकते हैं। उसके बाद कलर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जौन सा भी कलर आपको रखना है तो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कलर कोई सा भी आपको चेंज करना तो यहाँ कर सकते हैं। अगर मिक्स कलर चाहिए तो आपको ये बटन ऑन करना पड़ेगा, तो इस बटन को जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे सारे जो कलर्स हैं, ग्रीन लाइट जो भी कलर होगा, यहाँ पे सारा मिक्स हो गया, ठीक है, सारा मिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूरेशन यहाँ पे आपको जितना चाहिए वो कर सकते हैं। आप इस स्पीड यहाँ देख सकते हैं 5-10 पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पीड का भी आपको मिलता है कि अगर आप इसको स्पीड करना चाहते तो फास्ट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन में अगर ऐड वेड आए तो आपको कट कर देना, ठीक है। ऐड आएगा जिस टाइम आप ये सेटिंग करें, बस उसी टाइम ऐड आएगा, उसके बाद ऐड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे थिकनेस को भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से मीडियम पे या सेटियम जिस पे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद ये कॉल, ये वाला सेटिंग जो बनाया था ये कॉल लाने के लिए, ठीक है। कॉल आएगा तब आपके फ़ोन में ऐसे तरह का लाइटिंग चलेगी, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन में आपको चले जाना, नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको इसी तरह का देख सकते मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का है कि अगर कोई फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आएगा, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन के, चाहे कहीं से भी आपको नोटिफिकेशन आया, तो उसके उस टाइम में ये लाइट जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बटन को ऑन करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इनके जो भी सेटिंग है बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं छेड़ना इसको, ठीक है, ऐसे रह देना। जब भी आपका नोटिफिकेशन कोई आएगा तो यहाँ पर ये जैसे साइड से कॉर्नर था लाइट एज लाइटिंग जो साइड से कॉर्नर से जलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे लास्ट वाला साइड में लेना राउट कॉर्नर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेट्स कर सकते हैं कि आपका फ़ोन को किस हिसाब से, अगर फुल डिस्प्ले है तो आप फुल डिस्प्ले, अगर फोन छोटा है तो आप स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। इसको सबसे पहले मैं ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऑन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ज़्यादा या कम करके दिखा देता हूँ। ये देखते हैं मैं जैसे कम करता हूँ रेडियस को, यहाँ से आप स्मॉल या मीडियम में आप रख सकते, जिस हिसाब का आपका फ़ोन है वहाँ से इसे इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर फिल्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर का भी फिल्टर कर सकते हैं, अपने स्क्रीन में जो कलर अपने लगा सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ से आप कलर भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अपग्रेड वर्जन लेने के लिए बोला, लेकिन आपको अपग्रेड वर्जन नहीं लेना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, कम मतलब कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके फ़ोन में एज लाइटिंग नहीं है, अगर कोई सा फ़ोन में एज लाइटिंग नहीं है तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करके अपने फ़ोन में एज लाइटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे सर्च करा, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है ऐसा, लेकिन जो एप्लीकेशन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैंने इसलिए इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया। इस एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से एज लाइटिंग का सिस्टम दिया गया, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके जिन दोस्तों या फ्रेंड को मोबाइल में एज लाइटिंग नहीं अभी तक आया है, ठीक है, तो वो ये एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने फ़ोन में एज लाइटिंग लगा सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।